बच्चा हमें ये कंपाउंड दे रखा है, हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, गिव्स ए, हमें पूछा गया व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ए बच्चों। तो गाइस सबसे पहली चीज ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है, दिस इज अ कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस बच्चों। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, ध्यान से देखो, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारा CO2 बाहर निकलता है, प्लस यू गेट आर फ्री रेडिकल, ठीक है बच्चों। और दो आर रेडिकल कंबाइन करते हैं टू गिव आर आर, ठीक है बच्चों। पहला स्टेप समझ में आया, बेसिकली ऐसे समझो कि हमने इस ग्रुप को बाहर निकाल दिया एंड वी आर जनरेटिंग अ फ्री रेडिकल, और दो रेडिकल फिर कंबाइन कर जाते हैं टू गिव आर आर बच्चों। अब यही चीज हम इस कंपाउंड में करने वाले हैं, ये हमने लिया। जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो ये बाहर निकाल दिया और हमने फ्री रेडिकल बनाया, इधर इसे बाहर निकाल दिया, एक और फ्री रेडिकल बनाया, और फिर हम इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे टू गिव अस दिस एज द फाइनल प्रोडक्ट। गाइस समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों? इधर भी फ्री रेडिकल रेडिकल बन रहा था, इधर भी बन रहा था, तो हमने उसको डबल बॉन्ड बना दिया। समझ में आया, नहीं आया बच्चों? दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट। अब एक और चीज बच्चों, इसमें तुम देख सकते हो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ सिस एंड ट्रांस। हाँ है ना बच्चों, दिस एल्कीन में देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ सिस एल्कीन एज वेल एज ट्रांस एल्कीन। ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? ट्रांस। तो इसमें हम, अगर वो पूछता है कि मेजर प्रोडक्ट क्या हुआ, तो वी विल टेक द ट्रांस वन बच्चों। ट्रांस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? गुड।